जिला सिरमौर में उस समय एक सनसनीखेज वारदात सामने आई जब पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद मौके से पति फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। छोटी बेटी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला जिला सिरमौर के तारूवाला क्षेत्र का है। यहां देर रात करीब 1 बजे उस समय ये घटना सामने आई जब पति पत्नी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। एएसपी योगेश रोल्टा ने बताया कि पावटा साहिब के तारूवाड़ा क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे पति पत्नी की किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में पत्नी की मौत हो गई। जब पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश को लेकर देर रात ही विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद आज सुबह मृतक महिला के पति को दबोच लिया गया। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। शिमला से एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। देखिए, कल रात को 1 बजे के करीब पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिली। अरुण शर्मा नाम के व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी, ये शिव कॉलोनी तारू वाला रहते हैं। इनके पड़ोस में जो है हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, वाइफ रक्षा देवी है जिसकी 40-45 की उम्र के आसपास है, इनकी डेथ हो गई है। तो इस इंफॉर्मेशन पे एसएचओ पोंटा साहब अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल गए पहले, तो जहाँ पे देखा ये महिला रक्षा देवी जो है मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके बाद स्पॉट पे गए, स्पॉट पे कार्रवाई करने के बाद जो इसका हस्बैंड था सोहन सिंह, जिसकी उम्र 50 के आसपास है, इसको अप्रीहेंड करने के लिए टीमें बनाई और इनको भांगरन चौक के आसपास से 5:30 बजे सुबह डिटेन कर लिया गया था। और इनकी जो बड़ी बेटी है सोहन सिंह और रक्षा की, नेहा, उसके स्टेटमेंट पे, छोटी बेटी नेहा की स्टेटमेंट पे हमने सेक्शन 103 बीएनएस पे जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो आज स्पॉट विजिट किया है, मैंने भी स्पॉट विजिट किया, एफएसएल की टीम भी आई थी, उन्होंने भी स्पॉट विजिट कर दिया है। तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आज मृतिका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और हर पहलू पे इसमें जाँच की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।